जय माता गिरी। दोस्तों, धनतेरस पर अगर दिख जाए छिपकली समेत पांच में से कोई एक चीज समझिए, माँ लक्ष्मी अवश्य पधारें घर में। धनतेरस का पर्व इस साल 10 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस दिन किन किन चीजें पांच चीजों का दिखना शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में धनतेरस पर्व को सुख समृद्धि खुशहाली के तौर पर देखा जाता है। इस दिन धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर की पूजा होती है। इस अलावा इस दिन लोग सुख समृद्धि के लिए मूल्यवान धातु के सिक्के, नए बर्तन, आभूषण और कपड़े खरीदते हैं। इस साल धनतेरस का पर्व 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक वैसे तो इस दिन नए सामान की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा धनतेरस पर छिपकली समेत पांच चीजों का दिखना भी बेहद शुभ है। मानता है कि यह माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देती है। मानता है कि धनतेरस के दिन कुछ चीजों का दिखना बेहद शुभ है। धनतेरस के दिन किन्नरों का दिखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर धनतेरस के दिन कोई किन्नर अपने मन से सिक्का चूमकर आपकी हथेली पर रख दे तो कभी पैसों की किल्लत नहीं रहती है। शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन छिपकली का देखना शुभ है। दरअसल शास्त्रों में छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक के तौर पर देखा गया है। ऐसे में अगर धनतेरस के दिन छिपकली दिखे तो समझ जाना चाहिए कि घर में माँ लक्ष्मी की कृपा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन उल्लू का दिखना भी बेहद शुभ है, चूंकि उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी भी है। ऐसे में धनतेरस में छिपकली का देखना धन के आगमन का संकेत देता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक धनतेरस के दिन सफेद बिल्ली का देखना काफी शुभ है। मानता है कि अगर धनतेरस के दिन सफेद बिल्ली दिखाई देती है तो यह इस बात का संकेत देता है कि रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर सड़क पर गिरे हुए सिक्कों का दिखना या पाना शुभ संकेत है। दरअसल पैसों को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस दिन पैसा मिलना शुभ संकेत देता है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले समय में अनुकूल धन की प्राप्ति होगी।